तो हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। कैसे हो भाई? आई होप सब अच्छे हो गए, अपने घरों में सेफ हो गए। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आ गए फिर से एक नई वीडियो इनोवा क्रिस्टा की। देखो जरा आगे से कितनी यूनिक सी लग रही है ना। तो ये है इसकी की, ये है बेस मॉडल। तो भाई बेस मॉडल में ऐसी की आती है, एक बार पहले गाड़ी का वॉक अराउंड देख लो पूरा। तो हम मॉन्स्टर में आए हुए थे आज, मॉन्स्टर कस्टम एंड डिटेलर्स रोहिणी में। तो एक बार तो आप शाइन देख लो जरा गाड़ी की। ये सिर्फ एक दिन पुरानी गाड़ी है और इस पर PPF करिया। तो जरा पीछे की लाइट्स देखो एक बार, ब्राइटनेस कम करें थोड़ी सी। तो ये देखो, देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है। 6 पीस वाली लाइट है, 6 या 5, 5 है शायद, हाँ 5। तो चलो एक बार वॉक अराउंड ले लो गाड़ी का, फिर स्टार्ट करते हैं। पूरी डिटेलिंग इसकी रिव्यू वीडियो भी देखने को मिलेगी आपको। देख लो एक बार पूरी पे PPF हुई है, बहुत काम हुआ है इस गाड़ी में। सिर्फ एक दिन पुरानी, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में भाई इसमें लेक्सस इंस्पायर्ड ग्रिल है। ये ग्रिल आप देख रहे हो लेक्सस वाली है। ये मैट कलर की आती है, पर इसमें हमने इसे क्या कहते हैं उसमें करा है, ग्लॉस फिनिश में इसको पेंट करा है। तो इस तरफ आए थोड़ा, तो इसकी जो हेडलाइट है उसमें हमने IPH वाली जो नीचे यहाँ पे, इसमें तो IPH प्रोजेक्टर आए विद कंपनी फिटिंग के साथ। मतलब बिल्कुल टोयोटा का जो रहता है उसमें फिट है बिल्कुल। देखो कॉर्निंग वगैरह पे देखोगे तो सब बिल्कुल फिट एंड फिनिश है। यहाँ पे इसमें LED इंस्टॉल करी है 150 वॉट्स की, इसमें भी इसमें भी। एक बार ऑन करके अगर उन्हें दिखाएं तो ये देखो भाई इसको ऑन कर दिया हमने एक बार। अब मैं ब्राइटनेस कम करूँगा थोड़ी, तो देखना। ये देखो कितनी मस्त लग रही है। एक बार इन लाइट्स को करते हैं बंद और फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस पे जो PPF हुई है वो TPU प्रो वाली हुई है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी वाली PPF यूज़ करी है इसमें। तो पीछे जो लाइट्स हैं वो लाइट्स देख लो एक बार, बंद में ऐसी लगती हैं भाई। अंदर ज़्यादा काम हुआ है कार में, एक बार अंदर और चलेंगे अभी। एक बार पीछे फिर से देख लो लाइट्स का। तो ये देखो ब्राइटनेस अगर थोड़ी डाउन करें, काफ़ी अच्छी लगती है दूर से दिखने में LEDs ये जो चमक रही हैं। तो 5 पीस वाली है ये, बीच में टोयोटा का लोगो बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पे ये नीचे की तरफ यहाँ पे ABS गार्ड भी इंस्टॉल करा है इसमें। देख लो कितनी अच्छी फिट फिनिश आ रही है इसकी। अब एक बार अंदर चलते हैं कार में। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को फील हुई है कार का गेट खोलते ही, जो डोर बहुत हैवी हो चुका है क्योंकि इस पर डैम्प करी गई है, मतलब पूरी कार में डैम्पिंग हुई है अच्छी वाली। तो एक बार थर्ड वाली नॉइस सुनना इसकी ज़रा, बहुत मतलब बहुत भारी सा फील हो रहा है, डोर मजबूत सा हो गया बिल्कुल मस्त। तो अब आ गए भाई हम इसके अंदर। तो गेट करते हैं एक बार बंद, की लगाते हैं कार की। तो ये देखो, पहले तो एम्बिएंट लाइट दिख जाएगी आपको सारे में बिल्कुल मस्त वाली। स्टार्ट करें अगर गाड़ी को, तो सबसे पहली चीज़ देखना कि जब जैसे ही कार स्टार्ट होती है तो गियर इसका नॉब जो हिलता है वो बड़ी मस्त फील देता है। ये देखो कितना मस्त लगा हिलते हुए, है ना। तो यही चीज़ है। और अंदर भी इसमें यहाँ से देखो ट्यूब वाली ये जो लाइट्स रहती हैं, ये यहाँ से इंस्टॉल हुई है पूरी और लास्ट तक जा रही है वहाँ। इधर भी नीचे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और पीछे की तरफ भी आप देख लो, नीचे भी ये इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे बस एक सीट लगनी बाकी है, उसका थोड़ा सा काम रह रहा है। कार में बिल्कुल डैम्पिंग वगैरह सब कुछ हुई है, डैम्प हुई है। मॉरल के 4 कंपोनेंट्स लगे हैं कार में और ट्विटर्स वगैरह इंस्टॉल हुए हैं। ये रहा यहाँ पे आप देख सकते हो इसका, ये एम्पलीफायर कंपनी पढ़ लो कौन सी है ये लो। और इसमें तो सबसे पहली चीज़ जो इसके बेस मॉडल में आ जाती है भाई, वो आप यहाँ से इसकी सीट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, पर वो सब बाद में दिखाएंगे जब इसका रिव्यू करेंगे प्रॉपर। हैंड ब्रेक आपको यहाँ नॉर्मल सा मिलेगा, कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं हुआ इसमें। यहाँ आपको जो AC मिलेगा वो आपको नॉर्मल वाला मिलेगा, कोई ऑटोमेटिक वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ से फैन सीट अब लो मीडियम हाई वगैरह कर सकते हो, बहुत तेज है इसके फैंस, अच्छी है कार। मतलब काफ़ी लुक वाइज भी बाहर से मतलब ऐसी लगती है कि मतलब बहुत अच्छा लुक आ जाता है इसका। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसमें एटमॉस्फेयर लाइट, एम्बिएंट लाइट सारी इंस्टॉल हुई है। बट तो ये देखो साइड जो अपने साइड मिरर रहते हैं उनका भी स्विच यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वन टच है, कुछ वो नहीं है। देखो यहाँ पे करना है और ये हो गया बंद। तो भाई कार तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है।
तो एक और चीज दिखाता हूँ भाई मैं आपको, जो नीचे की तरफ आप यहाँ पे बटन देख पा रहे हो ना, ये है इसका प्रोजेक्टर का बटन जो अलग से लगा है जब हमें ऑन करना हो। एक बार आप इसके प्रोजेक्टर का थ्रो देखो बस, ये देखो ये धीरे धीरे ब्राइट होंगे अभी, ये हो गए। एक बार बाहर चल के दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ज्यादा ब्राइट है प्रोजेक्टर्स। तो चलो वापस से चलते हैं, एक बार रियर सीट्स पे चलते हैं कार की। अरे रियर में भी यहाँ पे वुडन का काम हो रहा है, देखो ये रहा यहाँ पे, और एम्बिएंट लाइटिंग, एटमॉस्फेयर लाइट सारी यहाँ पे इंस्टॉल हुई हैं, ट्विटर्स वगैरह, मोरल के 4 स्पीकर्स, और यहाँ पे देखो शेडो लाइट्स भी है जो टोयोटा का लोगो बनाता है। पूरा ये सब आफ्टर मार्केट काम हुआ है, ये बेस मॉडल है, बेस टू टॉप आप इसे कह सकते हो, बना दिया है। यहाँ पे आती है कैप्टन सीट्स, पीछे की तरफ अभी थोड़ा सामान वगैरह रखा है तो वो अभी नहीं दिखा रहे। इधर की सीट आएगी अब, और इसका जो इंटीरियर है वो आगे से वुडन वगैरह का, मतलब सारे में वुडन फ्रिश हुई है, और इसके जो मैट्स हैं ड्रिवन के हैं ब्रांडेड वाले, जो बहुत कम गाड़ियों के आते हैं, जिसमें से इनोवा क्रिस्टा एक है, तो इसके भी इंस्टॉल हो चुके हैं। गियर भी अभी इसका चेंज वगैरह, नॉब वगैरह चेंज कर सकते हैं। बहुत मतलब अच्छी बना दी कार, बेस टू टॉप जो इसे कहते हैं। और यहाँ पे इसका आपको मिल जाएगा एसी का पूरा, तो बहुत तेज है इसकी फैन स्पीड वगैरह, तो ऑफ कर देते हैं इसे अभी तो भाई। और इसका एक बार ऑडियो आउटपुट सुनाता हूँ मैं आपको, रुको। और हाँ, बाहर की तरफ इसमें क्रोम गार्निश वगैरह भी हुआ है, डोर पे क्रोम वगैरह का काम बहुत हुआ है यहाँ पे, मतलब लेस है क्रोम का काम, पर जो पीपीएफ से लुक आई है ना कार की उभर के, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो भाई एक चीज और नोटिस करना, जैसे अभी देखो कार की लाइट बंद है, तो जो यहाँ पे अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें व्हाइट लाइट आ रही है, और जैसे ही मैं लाइट ऑन कर दूंगा तो ये ब्लैक हो जाता है, मतलब नाइट मोड ऑन हो जाता है इसमें, तो ये चीज काफी अच्छी है। और अब इसका एक बार ऑडियो सिस्टम सुनो आप, एनसीएस का गाना प्ले करता हूँ मैं। तो यहाँ पे पीछे की तरफ मैट्रिक्स भी मिल जाएंगे आपको, तो भाई ऐसा था कुछ इसका जो साउंड सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड हुआ है, मॉडल वगैरह के स्पीकर्स वगैरह जो भी हैं। तो यहाँ से आप इसके पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी ऑन कर सकते हो, सब कुछ है भाई कार में, मतलब कार ऐसी है बिल्कुल फुल लोडेड हो चुकी है इस टाइम पे। यहाँ पे इसमें ये सब भी आता है, ये लाइट्स या LED बाद में करेंगे। तो भाई यही थी आज की हमारी वीडियो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।